तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के स्टॉक के बारे में। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में बीच बीच में यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक ने कभी भी यहाँ पर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार यहाँ पर हमको स्टॉक में लगातार तेज़ी ही देखने मिली है। लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 1.03% की यहाँ पर गिरावट देखने मिली है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह भी है कि गिरावट के बाद भी जो ये स्टॉक है वो अगेन यहाँ पर अपने प्रीवियस लो के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ से अगेन हमको स्टॉक में रिकवरी भी देखने मिल सकती है। यहाँ से अगर अब स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 1826 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2000, और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेज़ी एक अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2200, देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2440, और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 2700 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2900 3000 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1709 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1562 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1457 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग्स ला नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।